हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वाटरमेलन पॉप्सिकल की रेसिपी, यानी तरबूज की आइसक्रीम। तो ये रेसिपी बहुत ही रिफ्रेशिंग आइसक्रीम है और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है, और इसे हम थोड़ा आज अलग तरीके से बनाएंगे। तो ये रेसिपी को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वाटरमेलन पॉप्सिकल को बनाने के लिए हमें लेने होंगे तरबूज इस तरह से कटे हुए, 1 बाउल क्रीम और 3 टेबल स्पून चीनी। तरबूज की आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम ये तरबूज लेंगे। इसका मैंने छोटे छोटे पीस में कर लिया है और इसका बीज भी सारा निकाल लिया है अच्छे से। तो अब ये मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और ये सारे तरबूज को इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे। आप चीनी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितनी मीठी पसंद है आप उतना ही चीनी लीजिए। तो अब इसे कवर कर लेते हैं और ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये तरबूज को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए, अब ये अच्छे से पिस चुकी है। तो अब हम इसे छानेंगे। तो उसके लिए हम एक बर्तन लेंगे और ये छन्नी लेंगे। अब इसमें हम इसे डालकर इसे छान लेते हैं। इसका सारा जूस हम पहले अलग कर लेते हैं इसके पल्प से। कुछ इस तरह से हम इसकी जूस को अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, अब इसकी सारी जूस निकल गई है, इतनी जूस निकली है ये देखिए। तो अब हम आइसक्रीम मोल लेंगे। अगर आपके पास आइसक्रीम मोल नहीं है तो आप कोई भी स्टील के ग्लास या कांच के ग्लास में ये आइसक्रीम को जमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब हम ये जूस को आधे तक फिल कर लेते हैं, बस इसके आधे तक ही इसमें फिल करेंगे, पूरे ऊपर तक इसे फिल नहीं करना है। तो ये मैंने सारे में जूस को फिल कर दिया है। तो अब इसे सेट होने के लिए 3-4 घंटे तक फ्रीज़र में रख देंगे बिना इसके कैप लगाए हुए। तो अब ये देखिए, मैंने 4 घंटे के बाद इसे फ्रीज़र से निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ये अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हम इसमें ये क्रीम ऐड करेंगे, इस तरह से पूरे ऊपर तक इसे फिल कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने सब में फिल कर दिया है क्रीम को। तो अब इसकी हम इस तरह से सब में कैप लगा देंगे और फिर कैप लगा कर हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे फिर से 6 से 7 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो 7 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रीज़र में से निकाल लिया है और ये देखिए, अच्छे से ये सेट हो चुकी है, अच्छे से जम गई है। इसे निकाल लेते हैं मोल में से। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा दिख रहा है 2 कलर में। तो ये हमारा 2 फ्लेवर की पॉप्सिकल भी हो गई। तो ये क्रीमी वाटरमेलन पॉप्सिकल बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए इस गर्मी में, और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।